उड़ीसा के बालासोर में रेल हादसे में मौत के दावे के बीच रेल के अधिकारियों ने फर्जीवाड़े की कोशिश करने का एक गंभीर मामला पकड़ा गया है। यहाँ पर पूरा मामला ये है कि घर पटना का रहने वाला एक युवक संजय ने अपनी मां की मौत को लेकर रेल मंत्रालय पहुंच गया और उसने बताया कि उसकी मां की मौत बालेश्वर ट्रेन दुर्घटना में हो गई है, लेकिन वह कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका। उसके बाद तत्काल पूरे मामले में जांच शुरू हो गई। जांच के बाद मामले की जांच की गई, पूरा मामला फर्जी वाला निकला और पूछताछ में उसने बताया कि वह झूठ बोला था, जबकि उसे पता मुआवजा मिल रहा है और नौकरी मिल सकती है, तो उसने सोचा कि साथ साथ नौकरी भी मिल जाएगा। जांच में पता चला कि उसकी मां की मौत 2018 में ही हो चुकी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी मुर्गुब आलम इस वक्त हमारे साथ बने हुए। मुर्गुब, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर? लेकिन जहाँ संभावनाओं और पैसों और नौकरी का लालच होता है जी, निश्चित तौर पर वहाँ लोग दुर्घटना पर भी अपनी ईमान बेच देते हैं। ये मामला एक ऐसा मामला है जिसे कहते हुए निश्चित तौर पर समाज का बिगड़ चेहरा सामने आ रहा है। एक युवक पहुंचता है रेल मंत्रालय दिल्ली और वो बताता है कि उसकी माँ की मौत बालेश्वर ट्रेन दुर्घटना में हो गई। वो गया था वहाँ, उसे उसका शव नहीं मिला। उसके बाद जब उस पूरे मामले में कहा गया तो रेलवे के अधिकारी ने जब उस पूरे मामले में जांच शुरू किया, उसे कई सबूत मांगे गए, टिकट मांगे गए, माँ का फोटो मांगा गया, कई अन्य चीजें मांगी गई। उसके ये बताया गया कि माँ कहाँ किस रेलवे स्टेशन से चढ़ी थी। उसका जो बयान था वो लगातार बदल रहा था। उसके बाद रेल मंत्रालय ने विशेष टीम ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की। जांच के बाद युवक के द्वारा जो कहा गया वो पूरी तरह झूठ साबित हुआ। उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ रेल मंत्रालय को बताया। वो लालच में आ गया था कि उसे मुआवजा मिलेगा, उसे नौकरी मिल जाएगा, जबकि उसकी मां की मौत 2018 में ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। उसके बाद तत्काल पूरे मामले में युवक से पूछताछ के बाद जांच शुरू की गई है। अब रेलवे के अधिकारी इस बात पर फैसला लेंगे कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। फिलहाल अभी तक देर रात तक कोई कार्रवाई नहीं थी, लेकिन युवक अभी भी दिल्ली में है। इस युवक का नाम संजय बताया जा रहा है। ये युवक पटना से ही गया था। फिलहाल रेल मंत्रालय पूरे की जांच में जुट गई है कि आखिर क्या इस तरह के कई और लोग तो नहीं है जो इस पूरे गोरख धंधा में लगने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रेल मंत्रालय का कहना है कि संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रोसेस इतना लंबा है, उस प्रोसेस के अनुसार ही सबको आना पड़ेगा। फिलहाल अब देखना होगा इस युवक के खिलाफ रेल मंत्रालय क्या कार्रवाई कर पाता है। शुक्रिया मरगुब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ये मामला पूरा उड़ीसा के बालासोर में रेल हादसे में मौत के दावों के बीच रेल के अधिकारियों ने फर्जीवाड़े की कोशिश करने का एक गंभीर मामला पकड़ा है। जाहिर सी बात है कि मुआवजे मिलेंगे, नौकरी मिलेंगी, और इसी लालच में लोग अन्य तरीके का हथकंडे अपना रहे हैं। नतीजे सामने हैं। प्रोसेस इतना ज्यादा है कि इसमें फर्जीवाड़े की संभावना एकदम कम है, ना के बराबर है। देखिए, इसने कोशिश की और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए।